लॉकडाउन के दौरान होटल और रेस्टोरेंट का धंधा मंदा हो गया है, जिसको लेकर होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन के सदस्यों ने शुक्रवार को बैंक रोड स्थित एक होटल में बैठक कर सरकार से होटलों और रेस्टोरेंट के अंदर बैठकर भोजन एवं नाश्ता करने के लिए अनुमति देने के लिए सरकार से गुहार लगाई। इसके संबंध में एसोसिएशन के सदस्य सतीश कुमार द्विवेदी ने बताया कि विगत कई माह से लगातार बंदी के कारण रेस्टोरेंट में लाखों की मशीनें खराब हो गई हैं, परिस्थितियां अपने भयावह रूप में पहुंच चुकी हैं। अनलॉक वन में सारे व्यवसाय एक के बाद एक खुलने लगे, लेकिन रेस्टोरेंट व्यवसाय आज 3 महीने बाद भी बंदी की मार झेल रहा है। अगर आज भी हमें प्रतिष्ठानों को खोलने की अनुमति मिलती है तो भी 6 महीने का वक्त लगेगा वापस पूर्व की स्थिति में आने में। इस दौरान इस उद्योग को सरकारी सहायता की आवश्यकता होगी, जिसमें विभिन्न करों में छूट की मांग या उद्योग सरकार से किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जब परीक्षाएं, चुनाव, धार्मिक आयोजन सभी नियमों के साथ होने की अनुमति मिल रही है, तो रेस्टोरेंट को भी नियमों के तहत कार्य करने की अनुमति प्रदान की जाए और सरकार ने जो भी गाइडलाइन रेस्टोरेंट संचालन हेतु जारी की है, हम उनका कड़ाई से पालन करेंगे। इस दौरान अभय साहे, अचिंक्य लहरी, ईश्वर सिंह, राहुल सिंह और गौरव सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए सतीश कुमार द्विवेदी ने कहा, तो हमारे रेस्टोरेंट 22 मार्च के बाद अब तक बंद चल रहे हैं, उसको लेकर के इस बार बाकी सभी जगहों पर लोग खड़े होकर खा रहे हैं, वहाँ कोई किसी को ऑब्जेक्शन नहीं है। रेस्टोरेंट में क्या बैठ के खाने पर सबको ऑब्जेक्शन है। सतीश द्विवेदी, आज की यह जो प्रेस वार्ता है वो होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन गोरखपुर के द्वारा रखी गई है, जो 22 मार्च के बाद से लेकर अभी तक रेस्टोरेंट के संचालन की जिला प्रशासन के द्वारा अभी तक अनुमति नहीं प्रदान की गई है, उसके संबंध में यह प्रेस वार्ता रखी गई है, जिसमें हम सभी रेस्टोरेंट के ओनर्स जो हम समस्याओं को झेल रहे हैं, सामना कर रहे हैं, उसको एक पटल पर हम रखने की कोशिश करेंगे। क्या मांगे हैं? देखिए, 22 मार्च से लगभग आज 5 से 6 महीने का समय होता चला जा रहा है, अब तक हमारे करीब इस पूरे ज़िले में 300 से भी अधिक रेस्टोरेंट संचालित हो रहे हैं और इसमें करीब 15,000 लोग इसमें कार्यरत हैं, रोजगार पाते हैं, वो सभी इतने महीनों से बेरोजगार बैठे हुए हैं, उनके पूरे परिवार के आज बुरी आर्थिक स्थिति से वो गुजर रहे हैं। अगर इस भयावह स्थिति को कंट्रोल नहीं किया गया, अभी भी रेस्टोरेंटों को खुलने की अनुमति नहीं प्रदान की गई, संचालन की अनुमति नहीं दी गई, तो ये जो परिवार हैं जो इसी पे सालों से इसी व्यवसाय पे आश्रित हैं, उनके लिए भुखमरी की एक कगार अब शुरू हो चुकी है और यह भयावह होती ही जाएगी, चलती ही चली जाएगी। दूसरा, जो इस रेस्टोरेंट मालिक हैं, आज उनके पास इतनी भी क्षमता नहीं बची है कि वो अपने बिजली के बिलों का भुगतान कर ले, जो मैक्सिमम सारे उनके प्रतिष्ठान हैं वो किराए पे चल रहे हैं, वो किराए का कहाँ से भुगतान करेंगे, जो अन्य लोन ले रखे हैं, मॉनिटोरियम आप सबको पता ही है कि इस महीने से मॉनिटोरियम भी ख़त्म हो चुका है, अब उनको अपने जो भी लोन्स हैं उनको भी चुकाना है। आखिर अगर ये रेस्टोरेंट नहीं चलेगा, जैसे अन्य व्यवसायों को एक SOPs के साथ अनुमति दे दी गई है, एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स के साथ आज भी वो काम कर रहे हैं, आज हम भी उस सारे जो भी सरकारी नियम हैं उनको का पालन करते हुए एक सुरक्षित व्यवस्था के अंदर यह हम भी अपने रेस्टोरेंट को संचालित करें, हम भी अपने व्यवसाय को करें, इसी की मांग लेकर के हम लोग आज उपस्थित हुए हैं, ताकि हमारी जो और हमसे जुड़े जो हमारे कर्मचारी हैं जो बहुत ही इस वक्त बुरी दशा से गुजर रहे हैं, उनका जीवन यापन वापस एक बार पटरी पर आ सके।